मैंने कोई दिवाली ऐसी नहीं है जो आप सबके बीच जाकर के न मनाई हो। 30-35 साल हो गए, जब पीएम नहीं था, सीएम नहीं था, तब भी एक गर्व से भरे भारत के संतान के नाते मैं दिवाली पर किसी न किसी बॉर्डर पर जरूर जाता था। आप लोगों के साथ मिठाइयों का दौर तब भी चलता था और मैस का खाना भी खाता था और इस जगह का नाम भी तो शुगर पॉइंट है। आपके साथ थोड़ी सी मिठाई खाकर मेरी दीपावली भी और मधुर हो गई है। मेरे परिवारजनों, इस धरती ने इतिहास के पन्नों में पराक्रम की साई से अपनी ख्याति खुद लिखी है। आपने यहां की वीरता की परिपाटी को अटल, अमर, अक्षुण्ण बनाया है। आपने साबित किया है आसन्न मृत्यु के सीने पर, आसन्न मृत्यु के सीने पर जो सिंहनाद करते हैं, मर जाता है काल स्वयं पर वे वीर नहीं मरते हैं। हमारे जवानों के पास हमेशा इस वीर वसुंधरा की विरासत रही है, सीने में वो आग रही है जिसने हमेशा पराक्रम के प्रतिमान गढ़े हैं। प्राणों को हथेली पर लेकर हमेशा हमारे जवान सबसे आगे चले। हमारे जवानों ने हमेशा साबित किया है कि सीमा पर वो देश की सबसे सशक्त दीवार है। मेरे वीर साथियों, भारत की सेना और सुरक्षा बलों का राष्ट्र निर्माण में निरंतर योगदान रहा है। आजादी के तुरंत बाद इतने सारे युद्धों का मुकाबला करने वाले हमारे जांबाज हर मुश्किल में देश का दिल जीतने वाले हमारे योद्धा, चुनौतियों के जबड़े से जीत को छीन कर लाने वाले हमारे वीर बेटे बेटियां, भूकंप जैसी आपदाओं में हर चुनौती से टकराने वाले जवान, सुनामी जैसे हालातों में समंदर से लड़कर जिंदगियां बचाने वाले जांबाज, अंतर्राष्ट्रीय शांति मिशन में भारत का वैश्विक कद बढ़ाने वाली सेनाएं और सुरक्षा बल, ऐसा कौन सा संकट है जिसका समाधान हमारे वीरों ने नहीं दिया है।
ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां उन्होंने देश का सम्मान नहीं बढ़ाया है। इसी साल मैंने यूनाइटेड नेशंस में, यूएन में, पीस कीपर्स के लिए मेमोरियल हॉल का प्रस्ताव भी रखा था।